हाय, कीटू ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट में फॉन्ट साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो बहुत छोटा है, तो अगर हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। तो मोस्ट थीम में क्या होता है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन रहता है। तो चलिए देखते हैं इस थीम में है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको थीम पे क्लिक करना होगा और कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे आपको एडवांस टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। तो यहाँ पे एक फॉन्ट का ऑप्शन है एंड आप देख सकते हैं जो मेन फॉन्ट है उसका डिफ़ॉल्ट साइज है 14 पिक्सल और टेक्स्ट फॉन्ट है डिफ़ॉल्ट साइज है 14 पिक्सल। तो हम अगर टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज को हम अगर 16 पिक्सल पे करेंगे और इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो हम चेक करते हैं और कोई ऑप्शन है या नहीं। तो यहाँ पे एक है ब्लॉग पोस्ट करके और यहाँ पे एक है पोस्ट पेज एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो टाइटल का फॉन्ट साइज है वो 36 पिक्सल है। तो अगर आपको टाइटल का साइज बढ़ाना है तो हम इसको 38 कर देते हैं और जो टेक्स्ट फॉन्ट साइज है वो 15 पिक्सल है। तो हम इसको इंक्रीज करके अराउंड 19 पिक्सल कर देते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं एंड उसके बाद रिफ्रेश करते हैं एंड आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया है। एंड अगर आपके थीम में इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, तो आपको CSS की मदद से फॉन्ट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैराग्राफ है एंड यहाँ पे पोस्ट बॉडी है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी टैग यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मेरा जो कंटेंट का डीप क्लास है ये है पोस्ट बॉडी एंट्री कंटेंट। तो हम इसका जो आईडी है इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट साइज 19 पिक्सल हमने सेट किया था, तो मैं इसको अराउंड 22 कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया है। अगर मैं इसको 16 पिक्सल करूँगा तो फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो आईडी है इसको कॉपी करूँगा और मैं थीम पर जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं एडिट HTML पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस ऐप करके उस आईडी को सर्च करूँगा एंड आप देख सकते हैं वही CSS कोड आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है एंड यहाँ पे आइटम पोस्ट कंटेंट साइज। तो इस थीम पे अगर सेट है ऑलरेडी तो थीम कस्टमाइजर पे शो होता है, अगर नहीं है तो आप इसको रिमूव करके अपना जो कस्टम वैल्यू है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 21 पिक्सल एंड इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे मैं पोस्ट पे जाके एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया है एंड आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज 21 पिक्सल हो गया है। एंड अगर आपको कोई और एक एलिमेंट को इंक्रीज करना है, जैसे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो लेबल है उसका फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाऊँगा एंड यहाँ पे जो फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, देखो लिस्ट में एक एंकर टैग है, एंकर टैग में जो टेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसका अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है 14 पिक्सल, तो मैं इसको 16 पिक्सल कर दूँगा या 18 पिक्सल करूँगा। आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया है। तो हम इसको डिफरेंट मोबाइल में चेक करके भी देख सकते हैं, अगर साइज ठीक लग रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो CSS क्लास है इसको कॉपी करूँगा एंड उस सेम प्रोसेस में कंट्रोल ऐप करके उस CSS क्लास को फाइंड करूँगा एंड आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज पहले 14 पिक्सल था तो हम इसको चेंज करके अराउंड 17 पिक्सल कर देते हैं एंड आप देख सकते हैं जो फॉन्ट वेट है 400 है। फॉन्ट वेट मीन्स फॉन्ट कितना मोटा होगा, अगर आप फॉन्ट वेट इसका चेंज करेंगे तो 400 के जगह हम अगर 600 कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 600 कर देते हैं एंड उसके बाद हम इसको सेव करेंगे एंड उसके बाद एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉन्ट है वो इंक्रीज हो गया है और फॉन्ट वेट भी इंक्रीज हो गया है। इस सेम प्रोसेस से आप पॉपुलर आर्टिकल का भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे जाऊँगा एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री टाइटल एंकर टेक्स्ट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फॉन्ट साइज का एक वैल्यू लगा देंगे, फॉन्ट साइज अराउंड हम लगा देंगे 17 पिक्सल
एंड आप देख सकते हैं वो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है, तो हम इसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 19 पिक्सल हो गया। एंड आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया है। आपको बस क्लास कॉपी करना है और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाल देना है, फॉन्ट साइज कॉलन 19 पिक्सल सेमी कॉलन। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फुटर का फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पैराग्राफ क्लास है उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज ऐड कर दूँगा, फॉन्ट साइज अराउंड 19 पिक्सल। एंड आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया है। तो इस तरह से आप ये जो पूरा एलिमेंट है इसको कॉपी करके अपने CSS सेक्शन में लगा सकते हैं। आई होप इस वीडियो के मदद से आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर पाए होंगे। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियो आपके मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।